प्रभु हमसे काम कराना चाहता है, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको पीछे नहीं हटना है, इसके संबंध सोचना नहीं है। एक बार हम आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर उसके बाद हमारे लिए रास्ते खुलते जाते हैं, रास्ते खुलते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की, यीशु सहाय। आइए आज हम पहले एक भजन सुनेंगे जो कि उदित का लिखा हुआ है और विनोद विश्वास और स्वर्गीय वीना श्यामल ने गाया है। इसमें एक ज्योति को मांगता हुआ एक भजन है कि परमेश्वर के दरबार में उसकी ज्योति की चाह में ये भजन है। इसको सुनने के बाद हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। दर्शन हमको दिखा दो ना, अंधियारे मन में प्रभु आकर ज्योति अपनी जला दो ना। दरबारी हम तेरे प्रभु जी, दर्शन हमको दिखा दो ना, अंधियारे मन में प्रभु आकर ज्योति अपनी जला दो ना। दरबारी हम आँखें लगाए तेरी ओर प्रभु, कितना प्यासा प्राणी है। आँखें लगाए तेरी ओर प्रभु, कितना प्यासा प्राणी है। तू ही सब पर दृष्टि करता, जग का एक ही त्राणी है। प्यासे मरते बिन प्रभु तेरे, प्यासे मरते बिन प्रभु तेरे, जीवन जल अपीला दो ना, ज्योति अपनी जला दो ना। दरबारी हम तेरे प्रभु जी, दर्शन हमको दिखा दो ना, अंधियारे मन में प्रभु आकर ज्योति अपनी जला दो ना। दरबारी हम का तूने हाथ है थामा, भय उसको न किसी का हो। जिसका तूने हाथ है थामा, भय उसको न किसी का हो। वो संभलेगा जीवन में फिर, जिसको तूने उठाया हो। अब तक पापों में फिसले गिरे जो आके उनको उठा दो ना, ज्योति अपनी जला दो ना। दरबारी हम तेरे प्रभु जी, दर्शन हमको दिखा दो ना, अंधियारे मन में प्रभु आकर
अपनी जला दो ना, दरबारी हम तेरे प्रभु जी, दर्शन हमको दिखा दो ना, अंधियारे मन में प्रभु आकर ज्योति अपनी जला दो ना। परमेश्वर प्रेम है, ये तो हम सीखते आए हैं, जानते हैं, और यूहन्ना 3:16 भी हमको मालूम है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ये जो कोई, मतलब कोई भी देश का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रंग का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सारे लोग जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और परमेश्वर जो है उन लोगों से बातें करता है जो उसके आदेशों का पालन करते हैं, मतलब जो उसके अनुसार चलते हैं उनसे वो बातें करता है, ये तो ठीक। दूसरी बात, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो उसकी बातों को नहीं मानता है, उनसे भी परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे भी प्रेम करता है, तुमसे भी प्रेम करता है, मैं पापी हूँ तो मुझसे भी प्रेम करता है, और बोला है कि मैं पापियों के लिए ही इस जगत में आया, ये तो प्रभु यीशु मसीह का कथन है। उसने कहा वैद्यों की जरूरत किसको होती है, रोगी की होती है, और पापियों की जरूरत किसको, यीशु मसीह की जरूरत है, इसलिए मैं पापियों के लिए आया, उनके उद्धार के लिए आया, ये बोलता है, ये साफ करता है। किंतु ये चाहता है कि हम उसकी रोशनी में चलें, उसके अनुसार चलें, उसके काम को करें, उसके नाम को बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में आखिरी में क्या कहता है, कहता है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करो, और जब उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तब बोलता है कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। साथ कब रहेगा, जब हम उसके आदेशों का पालन करेंगे। और एक चीज देखिए, उसकी सब हम स्तुति भजन उसका आराधना उसकी स्तुति उसकी उपासना कैसे कर सकते हैं, यूहन्ना 4:24 में वचन में कहता है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। सच्चाई, ये वचन को पढ़ने से हमको सच्चाई प्राप्त होता है, वही सच्चा है, वही मार्ग है, वही जीवन है, और इसके अनुसार हम चलेंगे तो हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम विश्वासी हैं, मानता हूँ, हम उसको जानते हैं, मानता हूँ, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ते, उसमें काम नहीं करते, आके ओपन होके अपन गवाही नहीं देते, और छुप छुप के काम करते हैं, छुप छुप के चलते हैं, आगे बढ़ने के लिए शक्ति सामर्थ्य नहीं होता। जैसे मैं बताऊं, विलेज प्रीचिंग के लिए शुरू में जाते थे, गए थे वहाँ पर, और गए तो विलेज प्रीचिंग में, और उपाध्याय सुरेश जो कि आज प्रभु के साथ में है, और वो मेरे को बोले कि सर यहाँ पर आप बोलिए, बैला पसरा था वो खेरता बाजार का। तो मैं बोला कि अरे बाप रे, कैसे, मैं तो कभी बोला नहीं बाहर, कैसे करूँगा, स्ट्रीट पिचिंग विलेज पिचिंग मेरे को आता नहीं है, कैसे करूँगा। लेकिन फिर मैं सोचा कि ये तो छोड़ेंगे नहीं मेरे को, आखिर में तो बोलना ही पड़ेगा, तो पहले ही बोल लो तो बाकी पूरा टूर जो है आराम से करूँगा करके। मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा था, मैं यूहन्ना 3:16 निकाल रहा था बोलूँगा करके, उतने में एक लड़का आके बोलता है, शायद वो सुना हुआ है कि इन लोग पिचिंग विचिंग का सब मालूम उसको, सर आज आप बोलेंगे क्या अभी यहाँ। मैं बोला हाँ हाँ, तो आप, मैं तो बीकॉम प्रीवियस में पढ़ता हूँ सर, को नहीं जानते आप, मैं और भी यहां लड़के पलते, मैं बुला के लाऊंगा। मैं बोला मर गया, ऐसे ही मैं डर रहा हूँ, ऊपर से कॉलेज के सब लड़के लोग आने वाले, बहुत से बोलता है, जो भी आए होंगे क्या किए मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने बोला, परमेश्वर ने मेरी सहायता की और कहा कि मुझ में शक्ति है, मैं कर सकता हूँ। और दूसरे दिन जब कॉलेज में बात में पता चला, सब लोगों को हल्ला हो गया कि ये जो है ईसाई है, प्रीचिंग करता है, नाम देवदास से शायद ईसाई नहीं समझ रहे थे, लेकिन बाद बोले कि ईसाई। मैं प्रकट हो गया, समझ में आ गया, खुल गया, अब मेरे को छुपने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन हो गया। अच्छा ही हुआ, ये परमेश्वर हमें मौके देता है, हमारे जीवन में अवसर देता है कि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन हम क्या करते हैं, छुपने का प्रयास करते हैं। देखिए, विश्वास में आगे बढ़ना है, गवाही में आगे बढ़ना है, तो हमको कार्य करने के लिए समय देता है, मौके देता है, हमारे लिए कुछ मार्ग खोलता है, लेकिन हमको समझना है, उस काम को करना है। मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ। देखिए,
बिलासपुर में मेरे फादर जब रेलवे में कंट्रोलर थे, उनको जब हम लोग छोटे घर में थे, पहले एक बड़ा बंगला मिला स्टेशन के पास में 6 नंबर का, उसमें हम लोग शिफ्ट हुए। बगल में हमारा बी ब्लॉक था, ए में जुड़ा हुआ था। ए में जो है एक ब्राह्मण थे, वाजपेयी परिवार थे, और वो जो है ईसाई लोगों से कुछ नफरत टाइप, मतलब मेरे माँ से ठीक से बात नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे, और कैसे करते थे तो माँ बेचारी से बोलती थी कि इन लोग कैसा करते हैं, क्या करें। तो बोले अपने क्या करना, चुपचाप रहो, अपन चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं होता, प्रभु सब वहाँ खोल खोलता है, सब करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो फ्लू चला हुआ था कुछ डेंगू टाइप का, और वो फ्लू में उनके घर में वो मिस्टर मिसेस और उनके लड़का, दो लड़के और एक लड़की, पांचों लोग बिस्तर पकड़ लिए, कोई काम करने वाला नहीं, चाय पूछने वाला भी नहीं है। मेरी माँ, मैं सुन रहा था, मेरी माँ मेरे पिताजी को बोली कि मैं चाय बना के ले जाती हूँ, देखते हैं क्या होगा, ईसाई लोग हैं तो ईसाई के हाथ से शायद उन लोग नहीं पियेंगे। तो मेरे पिताजी बोले नहीं पियेंगे तो लेके आ जाना, जाना अपना काम है, प्रभु मौका देता है, काम करके देखो, प्रेम अपन यही दिखा सकते हैं। तो बोले ठीक है, गई। उन लोग इतने नीड में थे ना कि देवेर ब्लेस्ड विद दैट टी, और उसके बाद से हम लोग का संबंध है कि शायद खाना होना भी बाद में लेके गई, और ऐसा हो गया कि और पारिवारिक रिश्ता तय हो गया, आपस में इतना अच्छा रिश्ता हो गया, और मतलब दे केम टू नो दैट व्हाट इज क्रिश्चियनिटी। मौका मिलता है हम इसी प्रकार से अपनी गवाही को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम छुपते हैं, नहीं करते हैं, मौके का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं आपको ऐसे ही एक घटना बताना चाहता हूं बाइबल से, एक व्यक्ति के बारे में, बहुत से तो हैं, जैसे जोसफ अरमतिया एक है छुपा विश्वासी, निकोदेमुस एक है ये छुपा विश्वासी, याईर का सरदार जो था याईर, वो जो है एक छुपा विश्वासी, ये स्त्री जो 12 साल से लहू वाली वरणी का, जिसका नाम है ना मैं बताया था, वो भी छुपी विश्वासिनी निकली, छुप के जाके करी। मतलब कई लोग हैं छुपे छुपे काम करने वाले, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम खुल के काम करें। मैं आज आपसे जोसफ अरमतिया के बारे में बात करना चाहूँगा, और इससे हम कुछ सीखना चाहेंगे। जोसफ अरमतिया का जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 50वें वचन में लियो लिखा हुआ है, यहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था, महासभा का सदस्य मतलब सनहेड्रिन का मेंबर था, ये जो जूरी होती है ना उसका मेंबर है, गवर्निंग बॉडी का मेंबर ही है और मेन बॉडी का मेंबर है, पढ़ा लिखा है, धनवान है, सामाजिक उसको मतलब गुडविल ख्याति है, उसको अच्छा नाम है, सुनाम है, योग्य है, अच्छा कैरेक्टर है, क्योंकि क्या बोलता है, सज्जन था, मतलब वॉज अ जेंटल पर्सन, सज्जन था, और क्या था, धर्मी था, धर्मी भी था, लेकिन पुरुष धर्मी पुरुष भी था, छुपा हुआ था, अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था उसका, और उसकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न ना था, ये भी था कि जो यीशु मसीह के लिए कर रहे थे उसे ये प्रसन्न नहीं था। मैं पहले देखिए जोसफ अरमतिया जो है, ये अरमतिया नाम जो है ये एक रामा टाइम सोपीम करके, या फिर ये पहला शामिल में है, पहला शामिल पहला अध्याय में आप देखिए जहाँ पर शामिल पैदा हुआ ना, उस जगह का नाम जो है वो है, और उसी को जो है आगे जाके कई नाम दिए हैं, रामेत भी कहते हैं, रामूला भी कहीं पर मैंने पढ़ा है, और ये जो है शामिल का जन्म स्थान है, मरण स्थान है, समाधि भी शायद उसकी वहीं पर है, यहीं पर ये जो है रामा टाइम सोपीम करके पहला शामिल के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, और 19वें वचन में रामा करके लिखा है, मतलब रामा भी वही जगह है, रामेत भी वही है, रामूला भी वही है, और रामा टाइम सोपीम भी वही है, ये जगह है यहाँ का है, जिसका नाम जो है अरमतिया भी उसी जगह का नाम है, और यहाँ पर जोसफ जो है अरमतिया, मतलब जोसफ अरमतिया में रहने वाला जोसफ, जोसफ अरमतिया है, जैसा अपन नाम शहर के साथ नाम जोड़ देते हैं ना, वैसे सब नाम जोड़ा हुआ है। ये जो है सनहेड्रिन का मेंबर है, महासभा का सदस्य है, और यहाँ सदस्य मतलब यीशु मसीह के न्याय का जो काम हो रहा था ना उसमें ये जज था, जूरी था, इसने यीशु मसीह के फॉर में वोट नहीं किया, उसके अगेंस्ट में भी वोट नहीं किया, इसने यीशु तक तरफदारी भी नहीं की, उसके विरोध भी नहीं किया, न्यूट्रल रहा। क्या मतलब है, ये छुपा विश्वासी जानता था
यीशु मसीह के बारे में जानता था, वो सब कुछ उसको मालूम था। और क्या लिखा है कि वो कहता है कि 8 वर्ष का जब दिए था उस समय यीशु, मतलब यीशु मसीह पैदा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह से 8 साल ये बड़ा था। 17 साल की उम्र में इसमें एक शांति की खोज, आस्था की खोज और सच्चाई की खोज का जज्बा चढ़ा हुआ था, और उस चाहत में, वो खोज में यीशु मसीह को ये समझा और सही चीज को समझा, लेकिन खुल के सामने नहीं आया। मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, ये जो है ये भी जानता था कि यीशु मसीह का 6-6 जगह न्याय नहीं हो पाया। कैसे? पहले हन्ना के पास ले गए यीशु मसीह को, एक ही रात में ना, हन्ना के पास, उस कैफा के पास ले गए यीशु मसीह को, कैफा के पास महासभा में ले गए, महासभा का जो ये स्वयं एक मेंबर था, उसके बाद पायलट या महासभा लोगों ने इसको पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस जो है इसको कहा कि मेरे एरिया का नहीं, हेरोदेस के पास भेज दिया। हेरोदेस जो है इसको फिर पिलातुस के पास वापस भेज दिया। कोई निर्णय ले नहीं पा रहे लोग, 6 जगह हो गया, रात भर में घुमाए, कहीं न्याय नहीं हो पाया। इसको मैं सब बताता हूं कि ये 6 जगह न्याय नहीं हो पाया, लेकिन एक 7वां न्याय जो है उसका पहले वाणी, जो 7 वाणियों में पहली वाणी जो है वो मैं बोलता हूं 7वां न्याय है। वो 7वां न्याय क्या है? हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये सारे लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा क्षमा मांगा है। ये चीज, ये सब, ये जोसेफ ने, अर्मतिया ने ये सुना हुआ है। और जोसेफ अर्मतिया को क्रूस पर यीशु मसीह को जाते हुए सारी कहानी मालूम है, सारी चीज को जानता है, देखा है कैसे इसने क्षमा की, याचना की, उसको मालूम है। डाकू से कैसे इसने प्रॉमिस किया कि तू मेरे साथ आज होगा, वो भी ये सुना है। उसके बाद और ये भी माता को, जैसे यूहन्ना को सौंप दिया, ये भी देखा कि यीशु मसीह ने कैसे माता को सौंप दिया है। उसके बाद यीशु मसीह ने ये अपने पिता से बोला, एलोमी लामा सबक्तानी, मुझको क्यों छोड़ दिया, ये भी सुना है। उसके बाद 5वां जो है प्यासा बोलता है, ये भी ये सुना है। उसके बाद दोनों चीज़ें जो आखिरी के हैं कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, पूरा हुआ, ये कहना भी सुना है। और उसके बाद यीशु मसीह की मृत्यु को भी उसने देखा है। यहां तक देखने तक भी वो हिला नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह खत्म हो गया ना, खत्म हो जाने के बाद इसमें कुछ हलचल चलता होगा कि मैं को मौका मिला नहीं किया, मौका मिला नहीं किया, मौका मिला मैं उठा फायदा नहीं उठाया, मेरे को गवाही देना था मैं नहीं दिया, मेरे को बोलना था मैं नहीं बोला, उनको मेरे को सहायता करना था नहीं किया, मेरे को वो उसके पास जाना था नहीं गया, उसके पास जाके दुआ करना था मैं नहीं किया, मुझको बुलाए मैं नहीं, मतलब कई चीज़ें अवसर मिलती हैं जीवन में, उसको मैं नहीं करता नहीं करता, और इसका पछतावा हमारे दिमाग में, दिल में होता है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि कैसे दिमाग में करता है कि मैं, उस मरते हुए लेडी ने मुझको बोला कि दुआ करने आ, और मैं अपने सुस्ती के मारे नहीं गया, और जब जाना चाहा तब पता लगा कि वो सी लेडी नहीं है। मेरी भाई बोली कहां जा रहे हो, वो तो खत्म हो गई है। क्या बात है, क्यों नहीं होता है? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में काम करता है, लेकिन हम करने क्यों नहीं देते हैं? एक चीज देखना, यहाँ अभी भी पिला दिए जो यूसुफ अर्मतिया जो है, अभी तक ये हिला नहीं है, ये अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। लेकिन जब यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु हो गई ना, उसके बाद जो है यीशु मसीह के आगे क्या होगा इसके बारे में सोचने लगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ा है और मैं ये आप बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 2 प्रकार के न्याय, मतलब चीज़ें होती है। एक तो जूस लॉ जो बोलता है, मतलब जो यहूदियों का जो लॉ है, वो लॉ कहता है कि जिसके डेथ के बाद उसको उसी क्रूस पर टंगे रहना है, और गिद्ध लोग, वल्चर्स जो है, आके इसके पूरे देह को खा के बर्बाद करके टुकड़े टुकड़े करेंगे, और वो उस प्रकार से खत्म होगा, ये बोलता है। लेकिन रोमन ला है, ये रोमन ला क्या बोलता है कि ये क्रूस पर जो है उसको गिद्ध खाने नहीं देंगे, हम इसको निकाल के उस लाश को वो कॉमन पिट जो बोलते हैं, कॉमन कब्र जो है उसमें हम डाल देंगे, और वो उसी में खत्म हो जाएगा। ये 2 नियम है। अब ये दोनों जो है होना नहीं चाहिए, इसलिए निकोदिमुस यहां पर इसके अंदर में कुछ आया, उसके पास जोश आया, इसके पास अंदर कुछ आत्मा इसको कायल की, और आत्मा क्योंकि
था तो इसके अंदर में आत्मा, इसके अंदर में तो इसकी आग तो जल रही थी लेकिन आग दिखाई नहीं दे रही थी, अंदर से तो ये लपटे थी लेकिन लपटे बाहर नहीं निकल पा रही थी, अंदर में तो उसको जोश था लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा था, अंदर से लग रहा था बोलो 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 और बोल नहीं पा रहा था, करो 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 कर नहीं पा रहा था, ये असमंजस में पड़ा हुआ था, ये स्थिति में था। नाउ ये जो है दिस इज द पोजिशन ऑफ ए सीक्रेट बिलीवर, मतलब तुम बिलीवर हो लेकिन सीक्रेट है, गुप्त है, तो अंदर में यही अंतर्द्वंद चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूं जब इस प्रकार की अभिलाषा हो, इस प्रकार की इच्छा हो, इस प्रकार की आत्मा की उल्फान हो, जब आत्मा की मांग हो, जब आत्मा की आवाज हो, जब हमारे अंदर में होता हो, सुनो और उसके अंदर फॉलो करो, यू डू इट एंड यू विल गेट द पीस, उसको करो और शांति पा जाओ और अमन पा जाओ। क्योंकि यहाँ पर ये सब देखने के बाद भी देखिए ना जजमेंट के फेवर में था ना उसके अगेंस्ट में था, ये तो बोल रहा है यहाँ पर कि और 15:51 में कहता है और उनकी योजना और उनकी इस काम से प्रसन्न ना था, वह यहूदियों के नगर अर्मतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था, बाट भी जोह रहा था, सब चीज ठीक है यार, लेकिन एक ही चीज है क्या है कि गुप्त है, सीक्रेट है, वी कुड नॉट रिवील अवर सेल्फ, हम अपने को खोल नहीं पा रहे, अपने को बता नहीं पा रहे, ये चीज है। ये चीज कब तक लटके रहोगे, दो विचारधाराओं में कब तक लटके रहोगे, दो मालिकों की सेवा कैसे करोगे, या एक चीज याद रखना कि ये समय आएगा कि हमको जरी जल्दी 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 सारी चीजों को पूरा करना पड़ेगा, हमारे पास समय नहीं है, जो समय है उस समय के अंदर सारे कामों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का लेखा देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फाइनली दिस फेलो हैज डन ए गुड जॉब, ये व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम शुरू कर लिया, क्या किया, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के उस देह को पायलट के पास जाके बोलता है ये गिव मी दैट बॉडी, ये लाश मेरे को दे दो, और पायलट ने उसको दे भी दिया। और वो समय निकोदेमुस भी इसके साथ में आया, इत्र वगैरह डाल के यीशु मसीह को जोसफ अर्मतिया ले गया, और देखिए ले गया ना, इसके बारे में एक भविष्यवाणी आपको बताता हूं, देखिए वो है ये यशायाह, ऐसी आपकी पुस्तक उसका 53वां अध्याय उसके 9वें वचन में यो लिखा हुआ है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, दुष्टों के संग ठहराई गई लेकिन मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, किसका संगी हुआ, जोसफ यूसुफ अर्मतिया का संगी हुआ, यूसुफ अर्मतिया का संगी हुआ, धनवान आदमी। पुराने जमाने में क्या करते थे, अपनी कब्र को तैयार करके रखते थे कि ये मेरा कब्र है, मेरा दिन मरना तो जरूरी है, जब एक दिन तो मरना है और मरने के बाद जाना है, इसलिए पहले से जगह तैयार करके रखे, जगह तो तैयार करके रखे, भले ही अंदर से तैयारी ना हो, वो भी पैसे के कारण तय अच्छे से कब्र खोद के रखे। जोसफ अर्मतिया ने यीशु मसीह को अपने कब्र में ले जाके अपने कब्र में डाला, और उस कब्र में बुद्ध क्या लिखा है 53वें वचन देखे, यही लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय और उसका 52 पढ़ता हूं, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु के शव मांगा और उसने उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी। इसराइल टूर में जाएंगे तो ये देखिए, मैंने देखा है इसको, और उसमें कोई भी ना रखा गया था। ये क्यों लिखा है, मेरे को लगता है कभी कभी जैसा कि इसमें ये क्यों लिखा है कि उसमें कोई भी नहीं रखा गया था, मतलब नहीं था, इस क्यों लिखा बोला क्लियर किया मालूम, देखिए दूसरा राजा 13:20 में ये आप पूरा पढ़ेंगे ना उसको ज़्यादा मिलेगा, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ता, मैं तो तब एलिशा मर गया और उसमें मिट्टी दी गई और उसके बाद जो भी लिखा है बाद में पढ़ते रहना, लेकिन ये देखें तब उन्होंने उसे उस शव को एलिशा के कब्र में डाल दिया, कोई एक मरा था उस शव को एलिशा जहां पर डाला हुआ था एलिशा के कब्र में उसको डाल दिया गया, और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। एलिशा के हड्डियों को छुआ और ये शव जो है जीवन में आके खड़ा हो गया। यीशु मसीह को उसी कॉमन पिट में डालते
तो बोलते कि उसके हड्डियों को छुआ इसलिए यीशु मसीह रिजरेक्ट हो गया। ये कोई जीने होने का यीशु मसीह का कोई नहीं है, उस एलीशा का या उस कब्र का या उस कब्र में रहने वाले धर्मी व्यक्ति का, उसका नाम आता कि उससे यीशु मसीह हो गया। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट किया है और स्पष्ट लिखा है ताकि किसी प्रकार की कंफ्यूजन हमारे अंदर में ना हो कि उस कब्र में कभी भी कोई नहीं रखा गया, कोई हड्डी वहाँ नहीं है, किसी शव को वहाँ नहीं दफनाया गया, यीशु मसीह को फ्रेश नए कब्र में रखे। तो यहाँ पर से वो निकला, मतलब यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है और वो मृत्युंजय हुआ है, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, ये क्लियर हो जाता है, इसलिए वो लिखा हुआ है। और देखिए मैंने अंडरलाइन करके भी रखा है और उसमें लगता है 53वें वचन में उसने उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा। इसी बीच में निकोदिमस भी आया और उसने सेंट वेंट सब इत्र वित्र माल में सब ला के लगाया, उसके बदन में जो कुछ भी करना था किया और वो तो बदन सूखा था, जितना लहू था वो तो निकल गया था, कुछ था नहीं, खाली चमड़ी और दहड़ी था और कुछ था नहीं यीशु मसीह का, और जो बिल्कुल वो मतलब इज ऑलमोस्ट ही वॉज नेकेड और उसको निकाले उतारे होंगे, लटक रहा होगा, उसका चेहरा लटक गया होगा, गर्दन लटक गया होगा, तेरा प्रभु बिल्कुल मृत्यु के मतलब जान नहीं है, उसमें एक लाश है और एक डॉल टाइप उसको उतारे होंगे और पूरे हाथ छिदे हुए, पैर छिदे हुए, इधर मुकुट कांटों का मुकुट लगा हुआ, पूरे भाले लगे हुए, पीठ छिला हुआ, चमड़ी झूल रही है, उसको उतारे होंगे और उतारने के बाद जोसफ अरमतिया रोता होगा और देखा होगा ऐसे करके निकोदिमस आया, इत्र लेके तैयार है, लगाया मलमल में लपेटे, लपेटने के बाद ले जाकर यूसुफ अरमतिया जो कि जीवन भर पीछे था सोचता होगा हे यीशु मुझे माफ़ करना, मैं तुझे वोट नहीं किया, महासभा में खड़े होकर बोल तो सकता था कि तुम लोग अन्याय कर रहे हो, जब लोग चिल्ला रहे थे बरब्बा को छोड़ दो, बरब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह को क्रूस पर डालो, पिलातुस के सामने बोल रहे थे, उस समय खड़े होकर बोलता कि लोग हमसे बोलता कि ये तुम क्या जान कर रहे हो, बरब्बा को क्या छोड़ कह रहे, यीशु मसीह की तुलना उसके साथ कैसे कर रहे हो, यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, मैं जानता हूं, ये बोल सकता था, नहीं बोला, शायद बोलने के लिए बड़ा होगा, पीछे हट गया, हाथ खड़ा करने कोशिश किया, हाथ नहीं उठा सका, हिम्मत नहीं कर सका, बोलने के लिए कोशिश किया, जुबान नहीं खुला। अब ये जो है यीशु मसीह के उस लाश को ले जाकर, उस शव को ले जाकर, उस लोथ को ले जाकर अपने उस कब्र में जो तैयार किया हुआ था उसमें डाल दिया और पत्थर लुढ़का दिया। याद रखना ये कहता है कि उसकी और उसने उसके पांव बल खड़ा हो गया वो मुर्दा, यहाँ पर यीशु मसीह कहीं उसमें डालते तो खड़ा हो जाता, बोले ऐसा हुआ इसलिए अलग से रखे। और यूसुफ अरमतिया जो है वो उसके पत्थर को भी लुढ़का दिया, उस पत्थर के ऊपर शाहजहां ने सील लगा दिया, दरबान खड़े कर दिया, सब सेंचुरी पूरे तैयार थी, पूरे जो सैनिक तैयार थे सब थे, लेकिन स्वर्गदूत आया। हम पूरा कहानी मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप जान सकते हैं कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह जो वहां से निकल गया और निकलने के बाद ये जो सफर मतिया सोचा होगा, हे प्रभु थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं कि अब मैं खुल गया हूं। उसके बाद यूसुफ ने क्या किया मालूम, मैंने पढ़ा कि वो 6 महीने अज्ञातवास में सॉलिटरी में था, अकेला रोक था, अकेला रह के था, 6 महीने वो जो है अलग से रहा और वो मनन करता होगा और ये सारी पश्चाताप करता होगा और ये सब सोचता होगा कि कैसे हो गया, क्या हो गया, ये सब चीज़ें सोचता होगा। और ये 6 महीने जो है ये अकेले रह के पता नहीं क्या किया, अज्ञातवास में था। मैं एक बात बताऊं, मेरे को लगता है 4 ग्रुप हैं हम लोगों में, लेकिन सबसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। 4 ग्रुप मैं आपको अपने मन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला देखिए बोलते हैं जो मान लेते हैं, जो मान लेते हैं, ये पहला ग्रुप है, ये अच्छे लोग हैं। दूसरा जो है जो जानते हैं इसलिए मान लेते हैं, जानते हैं इसलिए मान लेते हैं, मतलब अपने नॉलेज के कारण ये मान लेते हैं। मैंने प्रीच किया और वो मान लिए, पहला ग्रुप।
मेरे प्रीच किए बिना ही उन लोग मान लिए, क्योंकि वो जानते हैं, वो दे वेर क्वालिफाइड, दे नो जीसस पर्सनली। ये दूसरा ग्रुप है। तीसरी ग्रुप है सुनी अनसुनी कर देते हैं, ये तीसरा ग्रुप है। सुनते हैं लेकिन अनसुनी करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया, ये एक तीसरा ग्रुप है। चौथा ग्रुप है सुनते ही नहीं, परवाह भी नहीं करते। पहला जो है मान लेते अच्छा ग्रुप है, दूसरा जो है प्रभु को पहले से जानते हैं और उसे मानते भी हैं, ऑलरेडी बिलीवर्स हैं, ये दो लोग हैं जो बाकी दो ग्रुप्स को संभाल सकते हैं। जो सुनते हैं और अनसुनी कर देते हैं उनको भी पकड़ सकते हैं, जो सुनते ही नहीं है उनको भी सुना सकते हैं। कौन? ये पहले दो ग्रुप के लोग। ये हमारा विश्वास, हम किस में हैं, हम किस प्रकार के हैं, कैसे ग्रुप में हम हैं। एक चीज याद रखना, परमेश्वर हर चीज का लेखा लेगा। और ये तो 6 महीने अज्ञातवास में रहा, 6 महीने अज्ञातवास में रहने के बाद ये क्या किया, ही हैज डन ए ग्रेट ग्रेट जॉब करके मैंने पढ़ा इसकी हिस्ट्री को। ये क्या किया, ग्लास्टनबरी, इंग्लैंड के ग्लास्टनबरी शहर में गया और वहां पर 3 साल बाद वहां पर वो काम शुरू किया। 3 साल तक कहां काम करता रहा मुझको नहीं मालूम। शायद ऐसा भी पढ़ा है कि पतरस के 72 चेलों में से एक चेला ये था, पतरस के साथ साथ ये काम करता रहा होगा। लेकिन 3 साल के बाद, 6 महीने तो अज्ञातवास में रहा, तो 3 साल के बाद ये ग्लास्टनबरी शहर में गया। वहां पर उसने बहुत काम किया, हजारों लोगों को ये कन्वर्ट किया, मतलब हजारों लोगों को बपतिस्मा दिया। एक तरह में एक दिन में शायद 1,500-2,000 बपतिस्म दिया, कुछ तो भी ऐसा आंकड़े मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ा है इतने बपतिस्म एक एक दिन में उसने दिया है। और देखिए, इसने बहुत सिंसियरली काम किया है प्रभु का, और काम करते 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 वो थका नहीं, बुढ़ापे में भी वो काम किया। और कहते बुढ़ापा मतलब मैं देखा कितने साल तक ये जिंदा था, तो 86 वर्ष में इसकी डेथ हुई। 86 वर्ष में डेथ होते तक ये परमेश्वर का काम करता रहा। ओपन हो गया, खुल गया, पहले तो छुपा हुआ था लेकिन गुप्त विश्वासी था, लेकिन अब ओपन हो गया। ही वॉज अ सीक्रेट बिलीवर, नाउ ही इज अ ओपन बिलीवर, जिसको हम बोल सकते हैं बिलीवर, जो कि खुल के काम करने लगा और कोई भी इसको देखता तो सभी बोलता था प्रभु यीशु मसीह का बंदा है। देखिए, जब कोई आपको देख के बोले ना कि आप प्रभु यीशु मसीह के बंदे हैं, तो यू शुड फील प्राउड, क्योंकि लगता है, क्योंकि मेरे को यदि कोई बोलता है ना आर यू क्रिश्चियन, तो मेरे को खूब अच्छा लगता है कि क्यों पूछा मेरे से, क्या हुआ, मतलब क्या प्रभु हमसे काम कराना चाहता है लेकिन हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको पीछे नहीं हटना है, इसके संबंध सोचना नहीं है। एक बार हम आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर उसके बाद हमारे लिए रास्ते खुलते जाते हैं, मार्ग चलते जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं एक गाना अभी आपको सुनाऊंगा, देखना वो बच्चा जो है अर्पण जो गाया है, जो अतुल का लड़का, ये गाना, इस गाने में उसने ये सारी चीज़ों का बयान किया है कि तुम रुक क्यों गए हो, डरते क्यों हो। मैं वही तो बता रहा हूँ, रुके क्यों हो, डरते क्यों हो, और आगे चलते रहो, बढ़ते रहो। जोसफ और मतिया, बढ़ तू, तू आखिर में कुछ तभी तक काम नहीं किया, अब उस शव को ले ले कम से कम, आखिरी में कम से कम तू यू लाइन पे आया, काम किया है, क्योंकि थोड़ा तो और चलना है जिंदगी में। क्या है, 4 दिनों का जीवन है बोलते ना, थोड़ा है। देखे कैसे लोग गायब होते हैं, मैंने देखा, पता नहीं। लेकिन एक चीज है कि गायब होने के बाद, हमारे इस जीवन के बाद, परमेश्वर के पास में हम जाएंगे, स्वर्ग राज्य में रहेंगे, इस चीज की गारंटी लेके हमको आगे बढ़ना है। तभी तो मैं हम डरो नहीं, ये बच्चा गया है, डरो नहीं, तुम हिम्मत से काम करो और देखो विजय तुम्हारा है, नैया पार हो जाएगी, केवन हारा वही है, वही तुम्हारे नाव को पार करके गम्य स्थान तक ले जाएगा। आंधी तूफान कुछ नहीं, किसी से कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे नाव में आ जाता है और तुरंत मेरे को जहां जाना है वहां पहुंच जाता हूं, मेरा मार्ग को विशाल कर देता है, मेरे मार्ग को वो सही कर देता है, मेरे
वही दरवाजा खोलता है जिससे मुझे जाना है। मैंने एक दुआ सीखी है, मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, हर किसी को मैं बताता हूँ, ये दुआ करो कि खुदावन एक ही दरवाजा खोल, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दे, और वो दरवाजा वो होना चाहिए खुला जिससे मुझको जाना है, जो कि तेरा द्वार है उससे मुझको जाना है। और आप सारे कन्फ्यूजन्स को बंद कर दे, सारे डायलमोस को निकाल दे, सारे जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं हटा दे, जितने भी डिफिकल्टीज हैं हटा दे, जितने भी सीक्रेट्स हैं हटा दे, एक ओपन कर दे, एक रास्ता खोल दे, ताकि उस रास्ते से होकर मैं तेरे राज्य को पहुंच जाऊं। एक अंदर में एक सेटिस्फेक्शन आता है जब हम उसका काम करते हैं ना, ऐसा लगता है कि आई हैव कॉन्क्वर्ड द वर्ल्ड। जब किसी को कोई गवाही सुना दे ना, या किसी की सहायता करो ना, जब किसी को मसीह के बारे में बता दो ना, या कोई हमारे जीवन को देख के मसीह को पहचानता है ना, जब वो पूछता है कि तुम्हारे अंदर में शांति कैसे आई है, तुम्हारे अंदर में चैन कैसा आया है, तो हम खुलते हैं ना, तो वी आर नॉट ए सीक्रेट बिलीवर्स बट वी आर नाउ ओपन बिलीवर्स। हम क्या हैं? ट्रू बिलीवर्स। हम क्या हैं? सही विश्वासी हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर के सही बनाए हुए एक औजार हैं, जो कि हम उसके राज्य के लिए काम करते हैं, क्योंकि तुम कहे कि तुम जाओ मेरे नाम से तुम काम करो, तब जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, ये वो प्रॉमिस करता है। क्योंकि वो गए, बहुत काम किया, थक गया। डीएल मूडी आखिर में क्या बोलते हैं? मेरा काम पूरा हो गया, ये धरती खत्म हो रही है, आसमान खुल रहा है और मेरा मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है। क्या विश्वास है, है ना। अभी एक लड़का जो जिसकी डेथ हुई है, वो मोबाइल में एक मैसेज उनके विलियम को उनके भेजा, उन्होंने उसमें लिखा है बाय बाय, और विश्वास को जाहिर किया है, एक कॉन्फिडेंस को जाहिर किया है। ये चीज़ हमारे अंदर में एक विश्वास होना चाहिए। आइए हम उस गीत को सुनेंगे जो अर्पण ने गाया है, और हम क्या आपको तैयार करेंगे। यदि आज तुम छुपे हुए हो, अभी तक खुल नहीं पाए, तो आज प्रभु तुमसे बातें करता है। खुल जाओ, आगे बढ़ जाओ। देखो, मैंने संसार को जीत लिया है। तकलीफें तो आएंगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। बदनामी तो होगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। भला बुरा कहेंगे, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। आखिर में जय तुम्हारी है, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। जय मेरा है, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आइए हम इस गीत को सुनेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे।
तुम न डरो, नफरत नहीं सफर से करो, नैया जीवन की पार लगेगी, दाड़स बांधे चलते रहो, जीवन के सफर से तुम न डरो, नफरत नहीं सफर से करो, नैया जीवन की पार लगेगी, दाड़स बांधे चलते रहो, निकलेंगे हम कहलाएंगे हम एक दिन जरूर, निकलेंगे हम कहलाएंगे हम विजयी एक दिन जरूर। रुक क्यों गए डर के अब तुम, चलते रहो वो साथ है, तन्हा ही जब भारी लगे याद रखो वो साथ है, थोड़ा और तो चलना है यहाँ तक आ पहुँचे हम, चलना है चलना है थोड़ा और तो चलना है, यहाँ तक आ पहुँचे हम, थोड़ा और तो चलना है चलना है थोड़ा हमारे जीवते दयालु खुदावंद, एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं और हम सही जीवन चाहते हैं खुदावंद, एक खुला हुआ जीवन चाहते हैं, हमारे अंदर में विश्वास को खोल खुदा, हमारे लिए दरवाजे खोल ताकि हम खुलकर तेरे काम को कर सकें, और अंदर में जो संकोच है, जो शर्म है, जो स्वभाव दबा हुआ है, जो खुदावंद शैतान है जो हमें दबाता है, जो हमें बाहर निकलने नहीं देता, वो सारी चीज़ों पर तेरा नियंत्रण होने दे ताकि हम खुलकर तेरे सामने आ सकें और तेरे काम को कर सकें। हम हर एक छुपे विश्वासी के लिए दुआ करते हैं, उनके विश्वास को मजबूत कर, ओपन कर ताकि खुदावंद खुल कर वो काम कर सके, विश्वास में आगे बढ़ सके और हर एक संतृप्त हो सके और तुझ में विजय प्राप्त कर सके, तुम्हारे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सके। खुदावंद आज के इस जमाने में भी, इस कठिन परिस्थितियों में भी तूने हमारी सहायता की, धन्यवाद देते हैं। इससे भी जो सीख तू देना चाहता है खुदावंद वो हम सीख सके, और हमारी दुआ ये खुदा कि तेरा दिया हुआ आशीष हम पर बना रहे ताकि हम तुझसे जुड़े रहें, तेरे आने में समय हो और दिया हुआ जीवन हो तो अवसर दे कि हम मिल सके, अन्यथा तेरे राज्य में हम एक दूसरे को मिल सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं और तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के साथ उसके दोबारा आगमन तक और सदालों होती रहे, आमीन।